पब्लिक टीवी आपकी आवाज। साल के आखिरी एपिसोड में पीएम मोदी ने 2023 में भारत की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत की उपलब्धियों पर हमें गर्व है। आने वाला साल और बेहतर होगा। पीएम मोदी ने 108वें कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ 108 अंक का महत्व उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के 108 बार जाप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियाँ, 108 घंटियाँ, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और भी खास हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए आकांक्षा विद्यापीठ में महिला मोर्चा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अल्पना रितेश गुप्ता महानगर संयोजिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रही। इस अवसर पर अल्पना रितेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए महिलाओं पर भाषण का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम मैंने सुना, यहाँ आकांक्षा विद्यापीठ के सारी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, ये हमें ऊपर से आदेश आया था कि आज बेटियों के साथ ये कार्यक्रम सुनना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें फिट इंडिया के लिए इतना अच्छा बताया, मिलेट्स के लिए बताया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि किस तरह से लोग देश के लिए कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने हमें बताया कि 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा, और ढेर सारी शुभकामनाएं उन्होंने हमें दी। आज हम इस कार्यक्रम में हमारी महामंत्री, हमारी बहन हेमा खत्री जी ने इस कार्यक्रम का संयोजन किया है। उन्होंने सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज किया है और बहन जी के द्वारा यहाँ 100 से अधिक संख्या में लड़कियों को बुलाया गया है, जो 9th क्लास की स्टूडेंट है, 9th, 10th, 11th, 12th की। उसके बाद हमारे यहाँ IT के भैया आए हैं जो हमें नमो ऐप के बारे में बता रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमें यहाँ पे सभी को नमो ऐप डाउनलोड कराना है, नमो ऐप के बारे में बताना है कि नमो ऐप से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि फेसबुक जो है हमारा इंग्लिश वर्जन है। मोदी जी चाहते हैं हिंदुस्तान में जो हमारी संस्कृति है उसी को उपयोग में लाया जाए, तो नमो ऐप जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति का फेसबुक वर्जन है। तो फेसबुक को हटाकर हमें नमो ऐप पर आना है। नमो ऐप हर हिंदुस्तानी के मोबाइल में ऐड होना चाहिए, यही संदेश मैं देती हूँ। मैं भी अपने महानगरवासियों को, सबको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और सभी के घर में खूब खुशियाँ हों, हर्षोल्लास हो और सब लोग खूब खुश रहें, तरक्की करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।